नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो फिर से हम ले आए एक गरीबी होम कुकिंग वीडियो, तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में। और जो कोई लोग आप इस चैनल को नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो ये हमारे घर के रात का वीडियो है और हम पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांग लेते हैं क्योंकि हम हिंदी अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। बीच में अगर गलत बोल निकल जाए तो उसके लिए पहले से ही हम लोग माफ़ी मांग रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो आज हमारे घर रात को थोड़ा सा चिकन बनाएगा, तो वही तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो चिकन को हमने पहले से ही धो के रख दिया था और जो दो आलू था वो छिला के इसमें काट के रख देंगे। और जो हम कर आलू को कट रहे थे ना, तो बीच में सड़ा हुआ निकला था, तो वो सड़ा हुआ हिस्सा हमने फेंक दिया और अच्छा वाला हिस्सा हमने रख दिया। और अब मसाला की तैयारी करेंगे, जो आधी अदरक, प्याज, रोशन इसी और जीरा, सूखा मिर्च, ये सब मसाला का लगा के हम चिकन बनाएंगे। तो देखते रहिएगा इस गरीब होम कुकिंग चैनल पर हम कैसे खान पान का वीडियो बनाते हैं, वही आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। तो देखिए हम प्याज को काट रहे हैं। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो वो भी बताइएगा, अगर बुरा लगे तो वो भी बता दीजिएगा। तो इधर हमने सब्ज़ी भी काट के रेडी कर लिया, आलू, प्याज, अदरक, रोशन और चिकन। हमारे यह इधर इसको बॉयलर बोलता है, जो फार्म में मिलता है। तो इधर हम ठंडी में भात भी बैठा दिया था चूल्हा पर, तो लगभग भात भी हो गया, इसको उतार लेंगे अभी। अभी कढ़ाई बैठा दिया और कढ़ाई में दोपहर का थोड़ा सा तेल रह गया था, उसी तेल में और थोड़ा सा तेल दे दिया। और अभी जो प्याज काट के रखा था ना, वो प्याज अभी इसमें भूजेंगे तेल में। अच्छे से प्याज को भूज के तो जो चिकन और आलू रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। हम ये रेसिपी नहीं दिखा रहे हैं, हम गरीब लोग जो सुबह शाम रात को कैसे खाना बना के खाते हैं वही आप लोगों के साथ हम दिखा के शेयर करते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं खाना, तो वही दिखा रहे हैं कि हम लोग कैसे चिकन बना के खाते हैं। तो सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का, हम लोगों का भी अलग तरीका होता है। हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जो रियल लाइफ में होता है वही शेयर करते हैं, हम कुछ भी बना कर नहीं दिखाते हैं। जो होता है, जो करते हैं, जो खाते हैं वही दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए दो तीन हरी मिर्च भी काट के रख दिया था, तो अभी जो चिकन, आलू, प्याज, हरी मिर्च काट के रखा था ना, वो इसी तेल में दे दिया। अभी इसमें थोड़ा सा नमक देंगे स्वाद अनुसार, जितना चाहिए होगा उतना ही नमक देंगे। तो नमक दे के इसको थोड़ा सा चला के तो ढक देंगे। तो दे दिया थोड़ा सा नमक, इसको दो तीन बार चला के और अच्छे से ढक देंगे ताकि चिकन और आलू सीज जाए। तो ये इधर हम बांस के लकड़ी से आग जला रहे हैं ना, तो लकड़ी ज़्यादा लगता है, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है लकड़ी। तो अभी ढक दिया हमने, तो अभी उतार के देखेंगे कितना सीजा हुआ है चिकन और आलू। तो लगभग आधा सीज ही गया है, अभी भी बारी है मसाला देने की। तो पहले हल्दी दे देते हैं, थोड़ा सा हल्दी दे के थोड़ा सा चला लेंगे। और बाद में जो हमने मसाला पीस के रखा था, आधी रोशन, प्याज, सूखा मिर्च और जीरा, तो वही मसाला इसमें दे देंगे और अच्छे से इसको भूजते रहेंगे। जब तक कि इसका रंग बदल ना जाए तब तक हम इसको भूजते रहेंगे। तो इधर लकड़ी लगाते जाएंगे और इधर भूजते जाएंगे चिकन को।
तो देखिए हालत कैसा हुआ है हमारा चूल्हा का और किचन का, क्योंकि हम लोग सुबह शाम रात को चूल्हा पर ही खाना बनाते हैं, तो जो धुआँ निकलता है कढ़ाई का तो वो मिट्टी में बेड में लग जाता है, जो काली लग जाता है वो हम खाना बनाने के बाद सफाई कर देंगे। तो हम लोग सुबह शाम रात को चूल्हा में बनाते बनाते किचन का हालत ऐसा ही हो जाता है, तो क्या करें, बनाना तो होगा ही और खाना तो होगा ही, तो इसीलिए ऐसा हालत हो जाता है किचन का। तो हम खाना बनाने के बाद इसको लीप उप के झाड़ू पोछा लगा के फिर से सफ़ा कर देते हैं। तो इधर देखिए चिकन से तेल भी निकल गया और अच्छे से भूज भी गया है, तो अभी बारी है इसमें थोड़ा सा पानी देने का, और पानी देके इसमें फिर से हम थोड़ा सा ढक देंगे और अच्छे से उबाल आने पर थोड़ा सा गरम मसाला देके इसको खाने के लिए उतार लेंगे। तो हम लोग ऐसे ही चिकन बना के खाते हैं, आप लोग कैसे बनाते हैं हमें तो मालूम नहीं होता है, तो सबका अलग अलग तरीका होता है, हम तो ऐसे ही बना के खाते हैं। तो देखिए चिकन में उबल भी आ गया है, तो अच्छे से उबल ले देंगे हम, तो गरम मसाला भी दे दिया थोड़ा सा। अभी ये जो ज़्यादा झूल झूल हुआ ना, तो वो थोड़ा सा हम ये कर लेंगे, गाढ़ा कर लेंगे, तो तेल भी छूट गया चिकन से और खुशबू भी अच्छा आ रहा था चिकन से। तो हमारा सब सब्जी तैयार हो गया, अभी उतारने का बारी है। तो अभी देखिए उतार भी लिया है और चिकन पकने के बाद ऐसा कलर आया।